ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो का पुतला भारी जन उपस्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ 727 को जाम कर बेतिया में जलाया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति वापस जाओ। भारत के किसानों के विरोधी राष्ट्रपति बोलसोनारो को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाना देश का अपमान करना है। ज्ञातव्य है कि ब्राजील के राष्ट्रपति पिछले दिनों विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में भारत के किसानों को किसी भी तरह के अनुदान से रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। वैसे भारत के किसान विरोधी ब्राजील के राष्ट्रपति को मोदी सरकार ने मुख्य अतिथि बनाया है, जो भारत के किसानों का अपमान है। बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ के महासचिव का, प्रभुराज नारायण राव तथा किसान सभा के जिला सचिव का, चांदसी प्रसाद यादव अध्यक्ष, रामा यादव, प्रभुनाथ गुप्ता म, हनीफ म, सैदुल्लाह बिहार बार काउंसिल सदस्य, शंकर कुमार राव म, वहीद, जगन्नाथ यादव, प्रकाश वर्मा, नीरज बरनवाल, सुशील श्रीवास्तव, उमेश यादव, AIKS के राधा मोहन यादव, जवाहर प्रसाद, बबलू दुबे, हरेंद्र दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार अविलंब राष्ट्रपति बोलसोनारो को वापस भेजे। CPM जिला सचिव तथा बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ के महासचिव प्रभुराज नारायण राव ने मानव श्रृंखला एवं ब्राजील के राष्ट्रपति का पुतला दहन को व्यापक पैमाने पर सफल बनाने के लिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवियों को लाल सलाम पेश किया है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.